बहुत ही अच्छा न्यूज़ है आप लोगों के लिए। एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर 2020 का। देखिए ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का 17 जून को और लास्ट डेट है 16 जुलाई का। ओके और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट आप लोग 18 तारीख तक कर सकते हैं जुलाई का। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफलाइन, ऑफलाइन चैनल मतलब जो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेगा तो उन लोगों के लिए ऑफलाइन चालान का एक सुविधा दी गई है। जैसे कि आप बैंक में जाके चालान काट के, कोई भी एसबीआई बैंक में जाकर चालान काट के आप वो चालान का नंबर आप डाल सकते हो, उसके लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ठीक है ये 20 जुलाई तक है। अगर आप चालान से पेमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों का पेमेंट के लिए लास्ट डेट होगा 22 तारीख को। ठीक है मतलब 20 तारीख आपका जनरेट करने का डेट है, 20 तारीख तक आपको चालान जनरेट करना होगा और 22 तारीख तक आप लोग चालान काट के वो रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस एंड सब इंस्पेक्टर दैट इज जीडी इन सीएपीएफ में निकलता है। ठीक है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ में निकलते हैं। स्पेशल लेवल है 35,400 से 1,12,400 तक, दोनों के लिए सेम ही है। मीन्स दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है और सीएपीएफ में जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, दोनों में सेम सैलरी और सेम पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आपको यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में आपको काम करना होगा, आपका पोस्टिंग उधर ही होगा। अगर आपको सीएपीएफ में मिलता है, जैसे कि सीएपीएफ के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट आता है, जैसे कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, ऐसा करके बहुत सारा है, मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। तो अगर इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो ऑल ओवर इंडिया में आपको काम करना होगा, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है देखिए वैकेंसी में बहुत अच्छा वैकेंसी निकला है इस साल। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए है। ठीक है मेल के लिए कितना है देखिए, ओपन में मतलब योर अनरिजर्व कैटेगरी में 32 है और आपका ईडब्ल्यूएस में 9 है, पीसी में 6, एससी में 11 एंड एसटी में 15, टोटल आपको 73 वैकेंसी है। ठीक है ये आपका ओपन कैटेगरी के मतलब ये आपका ओपन है और बाकी डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी कुछ कुछ पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ कुछ रिजर्वेशन है, वो सब मिला के टोटल 91 पोस्ट है। ठीक है देखिए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल है, फीमेल के लिए, फीमेल के लिए देखिए पोस्ट यहाँ पे 35 है यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 8, ओबीसी में 17, एससी में 12 और एसटी में 6, कुल मिला के आपका 78 है। ठीक है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ में, सीएपीएफ में देखिए कितना डिपार्टमेंट आता है, सीआरपीएफ आता है, बीएसएफ आता है, आईटीबीपी आता है, सीआईएसएफ आता है, एसएसबी आता है, सबका अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है तो सब मिला के आप वैकेंसी इधर देख सकते हैं, ये टोटल वैकेंसी, ये टोटल वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी कितना है। ठीक है चलिए रिजर्वेशन एंड सुइटेबिलिटी ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन देखिए एस सी एस टी ओ बी सी एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन जितना पोस्ट है आप देख चुके हैं आगे, अगर आप इंडिया का सिटीजन है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल का है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान का है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंडेटोरी है सिटीजन इन तीनों कंट्री में से किसी एक का सिटीजन आपको होना होगा। और एज लिमिट देखिए आपका 20 ईयर्स से 25 ईयर्स तक, ये ओपन कैटेगरी के लिए, दैट मीन्स अनरिजर्व के लिए। ठीक है और ये आपका 1 जनवरी 2021 की डेट में आप लोगों का होना चाहिए, 20 से 25 साल के अंदर। ठीक है दैट मीन्स जो कैंडिडेट 2 जनवरी 1996 से पहले जन्म लिया है वो अप्लाई नहीं कर सकते, और जो 1 जनवरी 2001 के बाद जन्म लिया है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है इन ये जो रेंज है इसके अंदर होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके रिलैक्सेशन देखिए, रिलैक्सेशन अगर आपका कैटेगरी एस सी एस टी है तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन इधर मिलेगा। ठीक है और ओ बी सी है तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का रिजर्वेशन होता है। ठीक है आगे देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ एस आई इन दिल्ली पुलिस, ठीक है दिल्ली पुलिस में विडो रिवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियल सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमेरिड
उन लोगों के लिए 35 साल तक है, ठीक है, ये ओपन कैटेगरी के लिए है, ठीक है। अगर आपका एसटी एससी है, विडो डिवोर्स वुमेन और ओपन जुडिशियल सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, अगर ऐसा कोई वुमेन होता है जो एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उन लोगों के लिए 40 ईयर्स है, ठीक है, एज लिमिट अप टू 40 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए अगर अनरिजर्व हो तो 30 ईयर्स, और ओबीसी हो तो 33, एंड एससी एसटी हो तो 35 ईयर्स, ठीक है। फिर आगे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर डिग्री, मतलब कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बीए हो, बीएससी हो, बीटेक, बीई, कोई भी कुछ भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओनली मेल कैंडिडेट मस्ट पॉज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ फॉर LMV, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल का आपको आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप CAPF के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल आप नहीं होंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को पता है, SSC में बहुत एक अच्छा सिस्टम आ गया। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद जो भी पोस्ट आएगा आप बस लॉग इन करोगे और अप्लाई में क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाता है, बहुत ईजी है अभी, ठीक है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है आपको करना होगा, ठीक है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए आपका नॉट मोर देन 3 मंथ तक फोटोग्राफ चाहिए आपका, जो 3 मंथ से पुराना ना हो, और वो JPEG फॉर्मेट में चाहिए, 20 to 50 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और फोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 3.5 सेंटीमीटर विड और 4.5 सेंटीमीटर हाइट में होना चाहिए, ठीक है। देखिए द डेट ऑन व्हिच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, जिस डेट में आप फोटो क्लिक किया है उसी डेट में, उसी डेट होना चाहिए फोटो का ऊपर, ठीक है, मेंशन होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए फोटो का ऊपर नीचे में, ठीक है। तो लास्ट डेट आप लोगों को पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप लोग कहीं पे फोटो 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर बना के 20 से 50 KB के अंदर लाने में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताइए, हम लोग आपके लिए ये रेडी कर देंगे। आप लोग बस हम लोगों का ईमेल आईडी में आपका फ़ोटो मेल कीजिए और आप दिल्ली पुलिस का बारे में मेंशन कर दीजिए, हम लोग ये कर देंगे, करके आपको वापस मेल कर देंगे, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है ये सबके लिए, मतलब जनरल ओपन कैटेगरी के लिए, और बाकी अगर आपका कैटेगरी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और एक्स सर्विसमैन होता है तो आपको फ़ी नहीं देना पड़ेगा, और वुमेन कैंडिडेट के लिए भी फ्री है, ठीक है। देखिए आप भीम UPI नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है तो SBI चालान से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आखिर देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए बहुत सारा सेंटर होता है इसमें, लगभग हर सिटी में SSC का एग्ज़ाम होता है, तो आप जिस भी रीजन से हो आपको वो सेंटर मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई भी 3 सेंटर चूज़ करना है आपका नियर बाई सेंटर। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो जो सेंटर आप पहले सिलेक्ट किया हो वो सेंटर आपको नहीं भी मिल सकता है, और दूसरा सेंटर मिल जाएगा आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। बहुत सारा सेंटर आप देख सकते हैं, बहुत सारा सेंटर आप लोग देख सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर वन, देखिए फर्स्ट पेपर वन होगा, फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद आप लोग का होगा पेपर 2, फिर होगा आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका बॉडी चेकअप होगा कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज़ वगैरह कुछ तो नहीं है, वो चेक होता है मेडिकल में, फिजिकल आप लोग के पहले ही हो जाएगा। फिजिकल क्या क्राइटेरिया है मैं आप लोग को बताऊंगा अभी। देखिए पेपर 1 का स्कीम देखिए कैसे होता है, देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क का होता है, एक एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 50 मार्क का आता है, वो भी 50 क्वेश्चन आता है उसमें भी, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मतलब ये पेपर 200 मार्क्स का होगा टोटल, और 4 पार्ट में डिवाइड होगा, आप देख सकते हैं 50 50 करके, और एग्जाम का टाइम आप लोगों को मिलेगा 2 आवर्स। फिर पेपर 2, ये पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है सिर्फ,
और इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का, और इसमें भी आपको 2 घंटा ही मिलेगा, ठीक है। पेपर वन का डेट देखिए 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, ऐसे देखिए कि पेपर वन में बहुत से सारा कैंडिडेट होगा, लाखों में अप्लाई करते हैं एसएससी में, और ये लेने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 4-5 दिन तो आराम से लग जाएगा, 2-3 शिफ्ट मिलेगा तब भी, और उसके बाद आप लोगों का स्क्रीनिंग हो जाएगा। उसके बाद पेपर टू देखिए कब होता है, पेपर टू होगा आपका फर्स्ट मार्च को, ठीक है, 1 मार्च 2021, ठीक है। फिर आगे देखिए, देखिए पूरा पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है, तो इसमें 0.25 का नेगेटिव होगा अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो ध्यान से एग्जाम दीजिएगा, उल्टा सीधा क्लिक मत कीजिएगा, जो आता है वही दीजिए, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जिसको सिलेक्शन होने वाला होता है वो बस गलत क्लिक करने की वजह से नेगेटिव होकर उसका कट ऑफ क्लियर नहीं होता, तो ऐसा कभी मत कीजिए, ठीक है। और देखिए कुछ लोग को एडवांटेज मिल रहा मिल जाएगा जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स का 5% मिलेगा, जो मैक्सिमम 10 मार्क्स तक होगा, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स जो कि 6 मार्क्स होगा, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। पेपर वन का सिलेबस देखिए, देखिए पेपर वन का पूरा सिलेबस इधर दे दिया, अगर पेपर वन का सिलेबस आपको अच्छे से समझना है तो हम लोग एक सिलेबस के ऊपर एक वीडियो है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस मैं उसमें कवर किया हूँ, किसमें कितना मार्क्स आएगा और किस पोर्शन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, वो सिलेबस आप उधर से देख लीजिएगा, पेपर टू का इंग्लिश का भी सिलेबस आपको उधर मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में, फिजिकल स्टैंडर्ड अगर मेल कैंडिडेट है तो हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, अनएक्सपांडेड चेस्ट आपको चाहिए 80 और एक्सपांडेड आपको चाहिए 85, ठीक है। और कैंडिडेट अगर हिल एरिया में, हिल एरिया का कैंडिडेट है, लद्दाख और लेह लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर का कैंडिडेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड सिक्किम का कैंडिडेट है, तो आप लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि जो हिली एरियाज होता है उस पर जो लोग रहते हैं उन लोग का हाइट थोड़ा कम होता है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का, तो 165 सेंटीमीटर आप लोगों को चाहिए, और चेस्ट आपको सेम ही चाहिए 80 और 85, ठीक है। देखिए अगर एसटी कैंडिडेट है, अगर आपका कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब है, तो आपको चाहिए 162.5 और आपका चेस्ट चाहिए अनएक्सपेंडेड 77 एंड एक्सपेंडेड 82। फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोगों का हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट अगर कुछ हिली एरियाज का है तो आप लोगों को चाहिए 155, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब है, एसटी फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोगों के लिए 154 सेंटीमीटर चाहिए होगा। देखिए वेट आप लोगों का बॉडी मास इंडेक्स आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए, और बॉडी मास इंडेक्स एक रेंज होता है, उस रेंज के अंदर आपका वो बॉडी मास इंडेक्स का वैल्यू आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट, देखिए फर्स्ट में मेल कैंडिडेट का बात करूँगा, आप लोगों को 100 मीटर्स रेस इन 16 सेकेंड में जाना है, और 1.66 किलोमीटर रेस जाना है 6.5 मिनट में, और लॉन्ग जंप 3.65 मीटर्स इन 3 चांस में, मतलब 3 चांस दिया जाएगा आपको, 3 चांस में आपको एक बार क्रॉस करना है वो लेंथ, दैट इज 3.65 मीटर, हाई जंप आप लोगों को 1.2 मीटर इन 3 चांस, 3 चांस में, और शॉर्ट पुट 60 LVS से आप 4.5 मीटर डिस्टेंस दूर फेंकना है इसमें, इसको 3 चांस में, 3 चांस में, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस चाहिए 18 सेकेंड में, और 800 मीटर रेस चाहिए 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस, एंड हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांस, ओके। देखिए आई साइड देख लीजिए, आई साइड आपको 6x6 है तो बेस्ट है, वो बेटर आई सेट, और 6x9 है वो रोस्ट है, लेकिन एक्सेप्टेबल है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए शायद आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, आप लोग आई सेट अगर 6x6 और 6x9 है तो आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव ए नी नॉक, नी फ्लैट फुट, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। फिर देखिए बॉडी में टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है, टैटू आप लोग देख लीजिएगा, टैटू मतलब
साइज इधर गिवेन है 1/4 ऑफ द पार्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है, लेस देन, लेकिन टैटू ना हो वही बता रहे। अब देखिए आप लोग क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये शुड बी यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल, एम्प्लॉई आईडी कार्ड, एक्स सर्विसमैन के लिए होता है ना, एम्प्लॉई आईडी कार्ड और एक्स सर्विसमैन, डिस्चार्ज बुक इशू बाय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, एनी ऑफ द फोटो बियरिंग आईडी कार्ड इशूड बाई द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ओके, देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन पेपर वन पेपर टू, इतना मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए होगा क्वालिफाई करने के लिए, अगर इससे कम होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे एग्जाम में। यूआर के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 25%, अदर कैंडिडेट एसटी के लिए, एसटी और कोई भी अदर कैंडिडेट हो उसके लिए 20%, एसटी और वुमेन के लिए होता है, एससी एसटी वुमेन के लिए। और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है एसएससी में तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आप देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा क्या क्या चाहिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, इधर गिवेन है, ठीक है, आप देख लीजिएगा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का इधर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, एक देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप इस हिसाब से आप अगर पहली बार दे रहे हैं एसएससी तो आप इस हिसाब से फिल कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, ठीक। देखिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप लोग अगर आप लोगों की कैटेगरी है एस सी एस टी ओ बी सी और एक्स सर्विस मैन तो आप लोगों का सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है तो आप लोगों का इधर मिल जाए, ये एक्स सर्विस मैन के लिए है अंडरटेकिंग, ठीक है, एक्स सर्विस मैन के लिए है, और एस सी एस टी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है, एस सी एस टी इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट इशू करके शो करना होगा। अगर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग आप लोगों की हेल्प करेंगे फॉर्म फिल करने में, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो आप लोगों का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों का हेल्प करने के लिए। और दिल्ली पुलिस का अगर जो चार पार्ट में क्वेश्चन आता है और सभी पार्ट का आप लोगों को अगर डिटेल्स क्लास चाहिए तो आप लोग हम लोग का चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ का अलग अलग चैप्टर वाइज आप लोगों को मिल जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश सब का मिल जाएगा आप लोगों को, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प कीजिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस ऑल।